लोग कहेंगे यार हम लोग कितना खाते रहते हैं। तूने धोखा मुझे नहीं दिया, तूने धोखा अपने आप को दिया। क्या वो बता, उसे रो क्यों रही है? तबीयत खराब है क्या? कि मैं समझता हूँ आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। हेलो वीर, हाउ आर यू? भाइयों हम आ गए हैं टंडन मोमोज पे। टंडन मोमोज सबसे पॉपुलर मोमो शॉप है पूरे देहरादून की। सबसे भाई ने, मैंने इसको मटन मोमोज की प्लेट और एक चिकन मोमोज की प्लेट बोली है, इसने 20 मिनट का टाइम बोल दिया। 20 मिनट टाइम, हाँ प्लीज वेट कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए। ये अंगद भी वेट कर रहा है। एंड लुक एट द सीन, हाँ कितनी भीड़ भड़ाका है। ये जितनी जनता दिख रही है ना, ये सारी जनता आई है फूड ब्लॉग देख रहे हैं। हमें यही एक भाई है जो 7 मोमोज देखता है। एक मैंने खा लिया, एक विशाल ने उठा लिया, 2, 2, 4 और 3, 7, ये 7 मोमोज देता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। कभी अपने आप को देखते भी हो, कैसे कैसे घूमते हो तुम यहाँ पे, है ना, झल्ला बन गए। तो देखो लोग कितना सज धज के आ रहे हैं मोमो खाने। टूरिस्ट है तो क्या हुआ, बट लोग दे ड्रेस अप रियली नाइसली। यार हम तो फकीर है, फकीर हम झोला उठा के कभी भी चल पड़ेंगे। तो बस मैं फकीर की बीवी हूँ। देखो लुक एट हाउ ब्यूटीफुली पीपल आर ड्रेस्ड। मैं आपको ना इस दुकान के बारे में एक बात बताता हूँ। इनका मन होता है ना टंडन जी का, तो ये देते हैं लड़कियों को, ये ज़्यादा देते हैं लड़कों को कम देते हैं। चलो हम तो लोकल हो गए तो अपने को देते ही देते हैं, पर वैसे कई बार ऐसा होता है कि है भी सामान और नहीं देंगे, मना कर देंगे। जिस दिन मन होता है बंद कर देते हैं दुकान, जिस दिन मन होता है खोल देते हैं। भाई मनाली जाके ना फुल R&D स्टार्ट करूँगा, जैसे मोमोज टंडन जी बनाते हैं वैसे ही मोमोज बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि इनके जैसे मोमोज बन जाएँ। ये आ गए मटन मोमोज फाइनली, फाइनली ये हैं जिनके लिए यहाँ पे जनरली भीड़ लगती है। अब इसको खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट था। पिछले 2 महीने में बेस्ट मोमोज यही है। भाई साहब मिले, मैंने पूछा उनसे कि भाई पहली बार खा रहे हो, कह रहा हाँ मैंने एक व्लॉगर को देखा था उसको देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लगभग सारी जनता व्लॉगर्स को देख के ही आई है। कितनी अच्छी बात है गाइज, एक ज़माने में अगर आपको अपना ऐड करना होता था आपको करोड़ों फूकने पड़ते थे, करोड़ों का खर्चा आता था और आप 99.99% जनता सोच भी नहीं पाती थी। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे जो इस बारे में सोच पाते थे, पर अब दुनिया कितनी चेंज हो गई है। यू नो अगर आपको किसी भी अपनी अच्छी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हो, व्लॉगर्स को बुला सकते हो, और अगर आपकी अच्छी में कोई चीज़ एक्चुअल में कोई चीज़ अगर अच्छी है तो इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स फ्री में आके कर जाते हैं आपका प्रमोशन बिना किसी चार्ज के। जैसे इस वीडियो में मैं टंडन का प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में। तो अगर आप देहरादून आओ टंडन मोमोज ज़रूर आना, ये राजपुर रोड पर पड़ता है। तो भाई दुनिया चेंज हो गई है, धंधा अगर आपको करना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कमी नहीं है, अच्छे से अगर आपको बिजनेस करना है तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस मेहनत मांगती है हर चीज़। मेहनत आप अच्छे से कर लो तो रातों रात आप चमक सकते हो, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम में चमकने वाला हूँ। चलो अभी हम लोगों ने मोमोज खा लिए, मोमोज खाने के बाद अब हम जा रहे हैं एल्थम बेकरी। ये भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे देहरादून में, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है, काफ़ी अच्छे बेकरी का सामान मिलता है। मेरा लास्ट डे, अंगद के साथ मेरी बड़ी सही बनती है। ये इस दुनिया में सबके पास ये रोता है, मेरे पास ये बिल्कुल रोता धोता नहीं है, अच्छे से बैठा रहता है मेरे पास और हंसता रहता है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या ले लिया वैशाली? लोग कहेंगे यार हम लोग कितना खाते रहते हैं। शिट शिट यार शिट, ये क्या हो गया यार वैशाली, यार तुमने इसको डायपर नहीं बनाया हो क्या? शिट यार ये क्या कर दिया इसने यार, भाई क्या है यार, इसको पकड़ो, इधर भी हो जाएगा वैशाली, इधर भी हो जाएगा, पकड़ो उसको फिर लाना टिश्यूज। गुड मोमेंट पकड़ना इसको यार, नॉट अ वेरी गुड मोमेंट। चलो पकड़ो, गंदा वाला कांड कर दिया यार अंगद ने, ये देखो क्या यार। बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो गया यार मेरे लिए, बड़ा ही एम्बैरेसिंग। और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को कैफे में मिल गया मेरा बॉस, एक्स बॉस, जब मैं 2005-06 में नौकरी किया करता था जिस समय, तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे अतुल, वेरी ग्रेट गाय, वेरी नाइस गाय, जेंटलमैन। इट वाज, दिस वाज सीरियसली एम्बैरेसिंग यार, बट लुक एट दिस, हाँ लुक एट दिस वाइट टी शर्ट। भाई बहुत ज़्यादा यक वाली फीलिंग आ रही है तो अपने बच्चे की पॉटी पर। ये पानी डीजल की बॉटल में डाला था वो भी गंदा है, घर से इसको वो नहीं करा के लाए, डायपर चेंज इसका। इतनी एम्बैरेसिंग, इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ये देखो करनी चाहिए थी उसको पॉटी, मेरे ऊपर कर दी।
कर चुका है क्या यार? देखो ना ये देखो, लुक एट दिस, साफ भी नहीं हो रही यार। मैं फेंक दूंगा इस टी शर्ट को। अब अपनी चॉकलेट एक्लेयर आ गई है, ये कोल्ड कॉफ़ी में है, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। देखो कितना बड़ा साइज़ है, स्पून से देखो कितना बड़ा ग्लास है। इसमें ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को मैं कभी पोस्ट ना करूँ। अपना प्लान ये था कि देहरादून जाएंगे मैं और मेरा जो शेफ़ दीपक है साथ में, उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी और मेरे को वैशाली को छोड़ना था, तो हम लोगों ने कैफ़े बंद कर दिया था 4-5 दिन। टाइम आ गया है देहरादून जाने का, देहरादून से मनाली जाने का। तो अच्छा बाय द वे एक चीज़ और, मैंने दीपक की वाइफ की तबीयत ख़राब थी, उसकी सैलरी वैलरी, अभी उसके सैलरी की जो डेट है वो होनी थी 25 तारीख के आसपास उसकी सैलरी रिलीज़ होनी थी, पर मैंने वो जल्दी इसको रिलीज़ कर दी। आज मैंने सारा उसको क्लियर कर दिया ताकि अपनी वाइफ का इलाज करा सके और अपने घर वालों का ख्याल रख सके, घर पर आया है। तो ये मैंने थोड़ा सा शायद लग रहा है गलती कर दी, और अब दीपक मेरा फ़ोन जाने का टाइम आ गया है और मैंने अभी फ़ोन किया है दीपक को 2 बारी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो क्या लग रहा है वैशाली तुम्हें? मुझे लग रहा है नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? क्यों करते हैं लोग, झूठ क्यों बोलते हैं सर? सच बोल के मेरे को पता क्या लग रहा है मेरे साथ यार, अब हमने ना जिंदगी में किसी के पैसे वैसे भी नहीं रखे। ये तो कितने 25,000-30,000 रुपए इसकी सैलरी है, 30,000 रुपए सैलरी क्या ही रखूंगा मैं, क्या ही कर लूंगा इसके रख के। हैं हाँ, जिसमें से आधे देके आया था वहाँ पे, बट पर पता ही क्या है, मार्केट में ना लोग गंदे हैं, लोग ना गरीबों के पैसे मार लेते हैं, और जो पैसे मार लेते हैं ना, इसकी वजह से क्या है कि एक भरोसा सा जो होता है ना लोगों का, वो उठ गया है, और भरोसा उठने की वजह से अब वो मतलब अब कुछ आपको ही भरोसा हो जाएगा। अब यहाँ तो मेरे साथ भी यही होगा, अगली बार से मैं भी रोक के चलूंगा। हो सकता है देखो मैं गलत हूँ, हो सकता है कि दीपक थोड़ी देर में फोन कर ले मुझे, नहीं बोल देता कि मैं नहीं जा सकता। और मैंने उसको पैसे देने के बाद पूछा, मैंने कहा दीपक बता दे तेरे को चलना है नहीं चलना, चलना है नहीं चलना, बट उस टाइम पे तो कह रहा था कि मैंने चलना है भैया। अभी हो सकता है क्या पता कॉल आ जाए, तो ये वीडियो कभी भी लाइव नहीं जाएगा, बट ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट इन केस, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर दीपक नहीं आएगा तो मैंने बैकअप बना लिए हैं। देखो इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, हमने एक नहीं 2 बैकअप बनाए हुए, अगर दीपक नहीं जाता तो कोई फाइट ही नहीं है अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते, या रिलाई नहीं कर सकते, फिर यही होगा फिर अब आगे से, जैसे दीपक का जो डर था फिर वो मेरे भी डर होंगे, मैं करूँगा नहीं किसी के सैलरी पैसे रिलीज, पहले हमेशा से रोक के रखूँगा थोड़ा बहुत ताकि बंदा जा ही ना पाए। ओके गाइस, सो फिर से मैं ना एक बार फ़ोन करने वाला हूँ दीपक को। देखो आई जेन्युइनली होप कि ये फ़ोन उठा ले, लेट्स कॉल हिम। ये भाई की क्वालिटी उन्हें, इसको मैं हटा रहा हूँ इसमें ताकि मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, ठीक है? दीपक सोलंकी शेफ आउट में है। देखो इसको भाई को मैंने 3-4 बार कॉल कर लिया है, अभी तक इसने उठाया नहीं है, एक बार लास्ट टाइम, इसके बाद एक बार और ट्राई करूँगा। देखो टाइम, देखो हाँ टाइम हो रहा है 9:23, हम लोगों को 8:30-9 बजे के बीच में निकलना था, भाई ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? लास्ट टाइम एक बार और ट्राई करता हूँ, ये लो फिर से ट्राई करूँ। चलो बिजी जा रहा है, 1 सेकेंड। देखें लेट्स चेक इट आउट। भाई ने अभी तक तो फोन उठाया नहीं है, इसने फोन नहीं उठाया, मैंने कहा था ना ये धोखा देगा, दे गया धोखा, मैंने कहा था कि भाई धोखा देगा। भाई इतने साल पीपल मैनेजमेंट करते करते इतना तो पता लग ही जाता है। अरे दीपक भाई, तू मेरे को अगर बता देता ना कि तेरे को छोड़ना है तो मैं तेरे को खुश होके बोलता कि कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, पर ऐसी हरकत करके क्या फ़ायदा हुआ बता? ठीक है सारी दुनिया तेरे को देख रही है, ये पूरा वीडियो सारी दुनिया देख रही है, अब क्या फ़ायदा हुआ? और वो भी उस इंसान के साथ ऐसा करके जिसने तेरे को इतना प्यार किया, अच्छे से रखा, खिलाया पिलाया, कोई तेरी चीज़ को कमी आने नहीं दी। तूने बोला मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तेरे को घर भेज दिया, उसके बाद तूने बोला मेरे को पैसे एडवांस दे दो, जल्दी दे दो, दे दिए, सब कुछ कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, धोखा देने की क्या ज़रूरत थी यार? चल एनीवे मैंने तेरे को माफ़ किया, कोई बड़ी बात नहीं है, तूने धोखा मुझे नहीं दिया, तूने धोखा अपने आप को दिया है। बहुत मुश्किल से ना अच्छे मालिक मिलते हैं, बहुत मुश्किल से अच्छे मालिक मिलते हैं, पर क्या है ना कि तूने अपने चांस गंवा दिए, कोई बात नहीं। अब मेरे को तेरा कॉल भी आएगा इसके बाद ना, अगर कि मैं वापस आना चाहता हूँ, तो तेरे लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए हो गए बंद,
ठीक है, तेरे को छोटे भाई की तरह रखा, पूरा पूरा कंफर्ट दिया। हाँ ऐसा है कि तूने काम भी बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं कि तूने काम नहीं किया, काम भी तूने बहुत अच्छा किया, मेरी सारी बात सुनी, लेट लेट तक काम किया, बढ़िया ऑर्डर निकाले और सब कुछ किया, ठीक है उसमें कोई कमी नहीं थी। पर ये जो तेरा अनप्रोफेशनलिज्म है, इंटेग्रिटी है, ये सारी चीज़ें ना हिली हुई हैं भाई, झूठ का बोलबाला कभी नहीं हो सकता। तेरे को आई होप अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, एंड आई होप कि अगली बार तू ऐसी हरकत किसी और के साथ ना करे। पर तेरी वजह से ना, तेरी वजह से हुआ क्या कि अब मेरे लिए ना लोगों पे भरोसा करना हो जाएगा मुश्किल, स्पेशली जो शेफ्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन लोगों पे भरोसा करना हो जाएगा मुश्किल, और ये सारा का सारा श्रेय जाता है तेरे को, ठीक है। दिस इज़ योर फॉल्ट बडी, तेरी वजह से अब ये पूरी पूरी कम्युनिटी से मेरा भरोसा उड़ जाएगा, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं भाई, अब धंधा तो अपने को चलाना ही है, और तेरे बिना चलाएंगे और बढ़िया चलाएंगे, तू देखते जा। तो गाइस ये देखो, मैंने इसको आज 12:28 पे ये देखो मैसेज किया था, दिन में पैसे भेज दिए हैं, ऑल क्लियर, पढ़ लिया भाई ने, और मैंने अभी अभी इसको मैसेज कर दिया है 9:56, आज के बाद मुझे कभी कॉन्टैक्ट मत करना। राइट गाइस, तो तैयारी कर रहा हूँ मनाली जाने की, वहाँ पे ना एडिटिंग करने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा टेबल वेबल होती नहीं अच्छी सी, तो ये टेबल लेके जाऊँगा, अपनी चेयर लेके जाऊँगा, सोच रहा हूँ ये अपना 32 इंच का एडिटिंग वाला जो मॉनिटर है ये भी लेके चले जाऊँ, अपने सेनहाइजर के हेडफोन्स लेके जाऊंगा, ये गिटार निकाल लिया है, ये मेरा काफ़ी पुराना गिटार है, मेरे को बजाना नहीं आता, लिया था एक ज़माने में ये सोच के कि कभी बजाना सीखूंगा। इसके साथ ही साथ मेरे पास ना एक डिवाइस है, ये उकेलेली, ये मेरे को बजाना आता है, इसको भी लेके जाऊँ। तो ये बेसिकली गिटार उनके लिए होगा जिनको गिटार बजाना आता है, इसको कैफ़े में रखे रखेंगे, इसकी आई थिंक वायर चेंज होने वाली हो रही है, वो करा लेंगे। और ये है उकेलेली, इसको भी ले जाएंगे, ये मेरे को आता है बजाना। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है, ये वाली सारी की सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिनको अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, कि ये वाली थोड़ी रिलीजियस बुक्स है, रामायण, भगवत गीता, कृष्णा की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और इसमें होली बाइबल भी है, दिस इज़ द ओल्ड टेस्टमेंट, दिस इज़ द न्यू टेस्टमेंट, ये न्यू टेस्टमेंट का एक छोटा सा वो है, ये सारी की सारी बुक्स हैं। ये वाली जो सारी की सारी है, ये फ्यू ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है सिडनी शेल्डन की, ये फिक्शन है बेसिकली, ये सिडनी शेल्डन की है, ये स्टीफन किंग की हो गई, ये बॉन्ड की सारी सीरीज़ है, बॉन्ड सुप्रीमेसी, बॉन्ड अल्टीमेटम, ये सारी सीरीज़ है, ये सारे के सारे मतलब बेसिकली ये सारी अच्छी वाली बुक्स का सेक्शन है। दिस इज़ अ गिफ्ट, ये बुक ना मेरे को किसी ने गिफ्ट दी थी, इट्स कॉल्ड शांताराम, इस पर ना मूवी भी आने वाली है, पॉलो कोएलो की काफ़ी सीरीज़ है मेरे पास, देखो ये देखो, वो देखो निकल गया सिलेक्शन, बहुत सारी बुक्स हैं भाई, बहुत सारी बुक्स हैं, ये देखो भाई, ये बहुत अमेजिंग किताब है जॉर्ज ऑरवेल की, एनिमल फार्म। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है फाइनली ये बुक्स ले जाऊंगा, मेजर आपको एक शक्ल दिखा दूं, बॉर्न सीरीज़ पूरी ले जा रहा हूं, स्टीफन किंग ले जा रहा हूं, सिडनी शेल्डन ले जा रहा हूं, पॉलो कोएलो ले जा रहा हूं, नील गेमन ले जा रहा हूं, डॉक्टर ब्रायन वीज़ ले जा रहा हूं, और हरुकी मुराकामी ले जा रहा हूं, इसके साथ ये भाई ये फ़न बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, जेम्स हार्डी चेज़ की हो गई, अलिस्टेयर मैकलेन की हो गई, तो ये कुछ पूरा कलेक्शन लेके जा रहा हूँ अपने साथ मनाली, ये बुक्स अवेलेबल होंगी पढ़ने के लिए। आई डोंट नो मुझे ये रिलीजियस बुक्स लेके जानी चाहिए या नहीं लेके जानी चाहिए, एक बुक ले जाऊँगा रिलीजियस, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी लेके जाता हूँ, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट आई विल टेक दिस बुक अलॉन्ग। हटना क्यों रो रही है वैशाली, क्या हो गया? हाँ क्या वो बता, रो क्यों रही है, तबियत खराब है क्या, तबियत खराब है क्या, क्यों रो रही है भैया? तो बुक्स आ गई हैं, अब इसके अलावा कुछ टूल्स मेरे को रखने हैं, मेरे पास जो टूल्स हैं उनमें से कुछ रखना है, ये मेरा ड्रिल सेट है ब्लैक एंड डेकर का, एक तो ये जाएगा, इसको ले जाता हूँ, अपना काम बहुत आसान हो जाएगा, एक है मेरा ब्लैक एंड डेकर का जिग्सॉ पड़ा है, इसको भी ले जाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास एक ये सर्कुलर सॉ भी पड़ी है, ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक वाला बॉक्स है, इसमें सारा इलेक्ट्रिकल आइटम्स पड़े हैं। लास्ट चीज़ जो मेरे को पैक करनी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, असली वाली नहीं बट दिस विल ऑल्सो गो टू कैफ़े, और अगले साल मेरी ओरिजिनल मैटाडोर भी कैफ़े में आ जाएगी। रात के बज गए हैं 1:15 ऑलमोस्ट, और ये सारा सामान है, ये बैग है, ये एक बोर्ड है, एक चेयर है, टेबल है,
मेरा लैपटॉप वाला बैग, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैग, मेरे कपड़े और एक गिटार है, ये वाला एक तामझाम है, किचन का उठा लिया, क्या क्या है, हाँ ओके, सो ये पानी का 5 लीटर, तैयारी तो सारी हो गई है निकलने की। ये देखो लास्ट का लॉट है, ये बैग्स हैं, ये है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दूँ जाना। भाई वैशाली ने रोना स्टार्ट कर दिया, बहुत सैड हो गई है। हम लोग आए हैं और मैंने ढंग से टाइम भी नहीं स्पेंड किया, 2 दिन में पूरा अपने कामों में इधर उधर जिप्सी में इन चीज़ों में लगा रहा, और 2 दिन तो नहीं है, 1.5 दिन हुआ है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सामान रख देता हूँ गाड़ी पर और आज का कैंसिल करता हूँ। आज वैशाली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, कल पूरा दिन टाइम स्पेंड करूँगा और कल शाम को फिर निकल जाऊंगा। शाम को निकलूंगा तो परसों सुबह इफेक्टिवली पहुंच जाऊंगा, तो वैशाली को जाके सरप्राइज करता हूं कि मैं नहीं जा रहा। देखते हैं। वीर, मम्मा कैसे रो रही थी? बहुत बड़ी तरह। हाँ? बहुत बड़ी तरह। बहुत बुरी तरह रो रही थी ना? हाँ। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, कल जाऊँगा। गलत हो गया, कैसे हो गई? बम्बलबी की बाइक देखी। बम्बलबी की बाइक? हाँ। कहाँ है दिखाओ? उस कार के पीछे। अभी देखते हैं। थोड़ा सा मूड ऑफ सा है मेरा आज यार। गाइस, आज का दिन ना थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा। एक तो यार वो जो शेफ ने किया ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई डिस्टर्ब होने की तो कोई बात नहीं है, ध्रुव छोटी सी चीज़ है, ये है वो है, पर यार मैं हूँ तो हूँ, अब क्या कर सकते हैं। नंबर वन मतलब किसी के लिए इतना करके, मैं एक्चुअली उसके लिए मैंने बहुत किया तो ये, और पता क्या होता है किसी के लिए करने के बाद ना, अगर बता दिया तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या क्या किया, बट दुख हो रहा है यार, मेरा बहुत दुख हो रहा है। दूसरा यार, वैशाली पहली बार होगा ऐसा कि वैशाली को मैंने अकेला छोड़ना है। मतलब जनरली हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, तो ये पहली बार है कि मैं उसको अकेले छोड़ने वाला हूँ। तो वो भी मेरे को काफ़ी पीछे होना, वीर एक बार मेरे को दिख नहीं रहा मेरा। तो वैशाली को भी अकेले छोड़ने का ना मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर क्या करें यार, काम पंगे लिए हैं तो अब उसको निभाना तो पड़ेगा ही। तो और दूसरी बात ये है यार कि ना एक छोटा सा बच्चा है, वीर तो चलो बहुत समझदार है, वीर बड़ा हो गया है, बट एक छोटा सा बच्चा है साथ में, तो काफ़ी मुश्किल होगा वैशाली के लिए टैकल करना यह सिचुएशन। भाई पूरी गाड़ी टकाटक भर गई है, ये देखो कितना भर गई है, काफ़ी ज़्यादा भर गई है गाड़ी। हिल क्या चीज़ रही थी? लाइट भी टाइट है। क्या चीज़ हिल रही है? ये कुछ तो हिल रहा है गाड़ी के अंदर। ये मिरर है, ये मिरर हिल रहा है, मिरर कर रहा है ये आवाज़। चलो कोई बात नहीं, मिरर से तो ओके है। ये वाला शॉर्ट्स हुआ है गाइस, जिसमें अंगद ने पॉटी कर दी थी, जिसमें अंगद ने पॉटी की थी, ये धुलवा दिया है, गीला है तो इसको मैंने ऊपर डाल दिया था। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको और गाड़ी को कर देता हूँ लॉक। गाड़ी कर दी मैंने ये लॉक। लेट अस सरप्राइज वैशाली। शी वॉज़ वेरी सैड जब मैं निकल रहा था, शी वॉज़ वेरी वेरी सैड। आई टोल्ड हर कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, लास्ट का एक बैग है जो रह गया है और मैं उस बैग को लेने के लिए ऊपर आ रहा हूँ। अब मैं उसको जाके सरप्राइज़ करूँगा कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक दिन बिजनेस और बंद रहेगा तो बंद रहेगा। अच्छा ये है बम्बलबी वाली बाइक? हाँ। वाह, ये तो एक्चुअल में बम्बलबी जैसी लग रही है। आज ना मुझे लाइफ ऑफ अ पाए में जो इरफान खान ने बोला था ना डायलॉग, वो याद आ रहा है कि मैं समझता हूँ आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही ज़िंदगी है, पर असली तकलीफ़ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। तो मैं ऐसी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा और मैं अच्छे से अलविदा बोलूँगा। फाइनली वैशाली मैं नहीं जा रहा। अब तुम्हारे चेहरे पे आ गई स्माइल, ऐसा क्यों करते हो?
चलो आज और कोई काम नहीं करूँगा मैं ना, सब काम निपट गए। अरे रात का टाइम देख, 2 बज रहे हैं, 2, तेरे को सोना है कि नहीं सोना? चल जा सो जा वीर, गो एंड स्लीप, टाइम टू स्लीप, टाइम फॉर योर बेड, गो टू योर रूम। तैयारी पूरी थी पर चलो, ये अंगद का बेड है, ये मैंने गाइज ये मैंने हाथ से बनाया है, सो दिस बेड इज़ हैंडमेड। मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने हाथ से बनाया, लोगों को भरोसा नहीं होगा इसलिए मैं तुम्हारी टेस्टिमोनी बनाया, वो भी 5 साल पुराना है ये। ये वीर के लिए बनाया था जब वीर मेरे ख्याल से कितने, 1 साल 1.5 साल 1.5 साल का बना हुआ था ना, वही 5 साल पुराना है पूरे, अभी भी फिट लेग के दिखा और इतना स्ट्रांग है कि वीर का अभी भी वेट ले लेता है। अभी आ जाते हो वीर इसमें आप? हाँ देखो, हमें पता था कि 5 साल तक वीर आएगा, फिर उसके बाद इसमें अंगद आ जाएगा। दिस इज़ ऑल हैंडमेड, ये सारा हैंडमेड है, इसका पेंट वेंट सब ख़राब हो गया, अब इसमें फिर से पेंट करूँगा कुछ टाइम बाद जब अंगद इसमें सोना स्टार्ट करेगा। और यार ये ना, हाँ वीर के लिए स्टेयर, वीर बड़ा उछल कूद करता था तो वीर के लिए ये स्टेयर्स भी लगाई थी चढ़ने के लिए। वैशाली इसको ना, ये जो घटिया चद्दर है ना इसको चेंज कर देना बेडशीट इसकी यार, पुट सम नाइस डिसेंट, इतना अच्छा बेड बनाया उसमें इतनी पीली रंग की बेडशीट यार, डजंट मेक सेंस।